हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शाली। आज मैं सूजी आलू की मसाला पूड़ी बनाऊंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सूजी आलू की मसाला पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 100 ग्राम सूजी, 100 ग्राम गेहूं का आटा, 4 उबले हुए आलू, इन्हें हमने छील के रख लिया है, कद्दूकस की हुई अदरक, धनिया पत्ती, ऑयल, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हींग, अजवाइन, पानी और डीप फ्राई के लिए ऑयल की जरूरत है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें सूजी को निकालेंगे। अब हम इसमें गेहूं का आटा मिक्स करेंगे और इसमें आलू को कद्दूकस करते हुए डालेंगे। आलू को हम अच्छे से कद्दूकस करते हुए इसमें डालते हैं। ये हमारे आलू जो है वो कद्दूकस हो गए हैं। इसमें हमने आलू को कद्दूकस करते हुए डाल दिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, हींग डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, अजवाइन को हाथ में क्रश करते हुए इसमें हम डालेंगे। हल्का सा दोनों हाथों से क्रश करते हुए इसमें हम अजवाइन डालते हैं। कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल डालते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से इन सबको अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसका आटा जो है वो गूंथ कर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हम इसका आटा गूंथ कर तैयार करते हैं। हम इसका आटा पूड़ी की तरह, नॉर्मल पूड़ी की तरह गूंथ कर तैयार करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए। जैसे कि हमने इसमें आलू डाले हैं तो इसलिए हमें इसमें पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़े थोड़े पानी में ही इसका आटा जो है वो गूंथकर तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारा जो आटा है वो गूंथ गया है। इसे हम अच्छे से मलते हैं और एकदम चिकना कर लेते हैं। ये हमारा आटा गूंथकर तैयार है। ये आप देखिए एकदम गूंथ गया है। इसे अब हम ढक कर 2 मिनट के लिए साइड से रख देंगे। बस हम इसे 2 मिनट के लिए ही रखते हैं। 2 मिनट बाद हम इस आटे को अच्छे से मल लेंगे। 5 मिनट तक हम इस आटे को अच्छे से मल लेते हैं। ये हमारा आटा जो है मल गया है। इसमें अभी हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए भी इस आटे को अच्छे से मलकर तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से मल गया है, सेट हो गया है। अब हम इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और 1 पार्ट को लंबा करते हुए, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से हमने किया है, इसकी लोई बनाकर तैयार करेंगे। पूड़ी की साइज की इसकी लोई बनाकर हम तैयार करते हैं। ये देखिए हम गोल गोल करते हुए इसकी जो है लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। गोल गोल करते हुए हम सारी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सारी लोई बनकर तैयार है। अब हम इन लोई को एक बाउल में निकाल लेंगे और इन्हें ढक देंगे। जब हम इन्हें बेलेंगे तब हम इन्हें निकालते हैं और यहाँ पे हम ऑयल गरम होने रख देंगे। जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है हम एक एक लोई निकालते हैं और इन्हें गोल गोल बेल कर तैयार करते हैं। पूड़ी की तरह इन्हें गोल गोल अच्छे से बेल कर तैयार कर लेंगे हम। ये आप देख सकते हैं वीडियो में हमने किस तरीके से इन्हें बेला है। ये देखिए हमारी पूड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसे एक प्लेट में रख लेंगे और जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है हम और पूड़ी को भी इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लेते हैं और इन लोई को जब तक हम बेल नहीं रहे इन्हें ढककर ही रखते हैं। ये देखिए हमारी बिल गई है और इधर जो हमारा ऑयल है वो भी गर्म हो गया है, तेज गर्म हो गया है। इन्हें अब हम डीप फ्राई करेंगे। हम पूड़ी को पहले ऑयल में डालते हैं और 1 सेकेंड बाद जब इसमें ऑयल में अच्छे से खदका आने लगे तब हम इस पूड़ी को अच्छे से फुलाते हैं। हल्का हल्का पलटा लगाते हुए हम इसे फुलाते हैं। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं हमने किस तरीके से पूड़ी को अच्छे से फुलाया है। हमारी ये वाली पूड़ी बहुत अच्छे से फूल कर आती है और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी लगती है खाने में।
ये इसका खाने में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इन पूड़ी को तो आप रूखा भी खा सकते हैं, किसी सब्जी की भी इसकी लिए जरूरत नहीं होती। नहीं तो आप आलू की सब्जी, रायता, चाट किसी के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये हमारी डीप फ्राई हो गई है, इसी तरीके से हम बाकी बची पूड़ी भी डीप फ्राई कर लेते हैं। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं, हल्का हल्का पलटा लगाते हुए हम इन्हें फुलाते हैं और इन्हें डीप फ्राई करते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने डीप फ्राई किया है। आपके घर में कभी भी कोई गेस्ट आए और आप उनके लिए कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई करें, ये उन्हें भी बहुत पसंद आएगा और आपको भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए हमारी पूड़ी जो है वो डीप फ्राई हो गई है, बनके तैयार है, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।